हमारे साथ एक बार फिर से उसी डाइजेशन टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, और स्टार्ट करेंगे हम डाइजेशन इन माउथ से, करेक्ट। एक बार पेन और पेंसिल, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, जो भी कॉपी लेना हो लेके बैठ जाए और हमारे साथ स्टार्ट करें। अभी डाइजेशन होने वाला है, खाना जो खाया हमने उसको हमें पूरी तरह से तहस नहस करने वाले हैं। इसमें डाइजेशन इन माउथ से स्टार्ट करेंगे। इसी का दूसरा नाम हमने बताया था, बक्कल कैविटी भी इसी को कहते हैं, यानी कि जो माउथ में डाइजेशन होगा वो एक्चुअली बक्कल कैविटी में होने जा रहा है। अब पहले ही मैंने बोल दिया था कि जो आपका डाइजेशन होगा वो फिजिकल और केमिकल दोनों से ही मिलकर होने जा रहा है। तो यहां पर फिजिकल एक्शन के लिए बाबू प्रेजेंट है क्या आपका टीथ और टंग? टीथ और टंग ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कैसे हमें मिले खाना और हम उनको मसले। और केमिकल एक्शन के लिए आपके पास प्रेजेंट होता है, केमिकल एक्शन के लिए आपके पास प्रेजेंट होता है सलाइवा बच्चों, क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा। ठीक है, पहले इसका काम देखते हैं टीथ और टंग का, बहुत गुस्से में रहता है। जैसे ही हम मान लीजिए खाना खा देखते हैं तो मुंह में तुरंत आपके क्या निकलने लगता है, ये भाई साहब सलाइवा। ठीक है, अब सलाइवा निकला नहीं, इन दोनों के अंदर उबाल आ जाता है कि कुछ तो आए और मुझे उसको चबाना है। चबाना है तो हमने क्या कर लिया, अभी मान लो जलेबी देखा हमने, जलेबी देख के मुंह में क्या निकल गया सलाइवा, फूड आ गया अंदर, फूड क्या आया, अरे भाई दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाओगे पहुंचेगा कहाँ पे, मुंह में। और मुंह में पहुंचा नहीं कि टीथ और टंग भाई सब तैयार, तैयार करके इसको क्या कर दिए, चबा दिए, चबा के खत्म कर दिए। प्रोसेस क्या कहलाया, जल्दी से बोलो, प्रोसेस कहलाएगा मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन करके टीथ और टंग ने अपना फिजिकल एक्शन कर दिया। सलाइवा ने कहा मैं बेवकूफ हूँ या मेरे बिना तुम लोग का काम हो सकता है? नहीं हो सकता। सलाइवा और टीथ और टंग एक साथ मिलकर फूड पर काम करेंगे और जब ये पूरा एक्शन कंप्लीट हो जाता है केमिकल और फिजिकल दोनों ही, तो फूड की स्टेज चेंज हो जाती है, बोलो बोलस में। किसमें चेंज हो जाती है, बोलस में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों से ही क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान में रखेंगे मैस्टिकेशन और बोलस। बोलस क्या था, टीथ और टंग और सलाइवा, इन सब के एक्शन के बाद फूड की स्टेज, फूड की स्टेज आफ्टर द एक्शन ऑफ सलाइवा टीथ एंड टंग, यानी कि चबाने के बाद जो लिसलिसा खाना बन जाता है उसको माउथ में, अभी हर जगह इसकी स्टेज अलग अलग होगी पर माउथ में हम इसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे, फूड स्टेज, करेक्ट। आफ्टर द एक्शन ऑफ सलाइवा एंड टीथ, करेक्ट। ये हो गया बोलस। अब बोलस हो गया तो, लेकिन अभी बोलस को आगे पास आउट करना है स्टमक में, लेकिन थोड़ी सी बात हम अभी सलाइवा पे कर लेंगे। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा वो सिक्रीशन होता है जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला है इसी केमिकल को हम कहते हैं क्या, सलाइवा। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड और जितनी सारी ग्लैंड है उन सबकी चर्चा हम एक साथ एक नए टॉपिक में कर लेंगे जिस दिन हम सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे होंगे। अभी सिर्फ हम डाइजेशन का एक प्रोसेस पढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू उसको पढ़ते रहिए। सलाइवा के बारे में आपको थोड़ा दो चार पांच बातें बता दे रहे हैं। सलाइवा की खास बात क्या है, केमिकल होता है, सिक्रीट कहां से होता है, जल्दी से बोलो, सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, करेक्ट। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, और कितना सिक्रीट करती है, तो बाबू बोलोगे 1 to 1.5 liter per day, 1 to 1.5, यानी कि 1.5 liter पर डे के हिसाब से सिक्रीट होता है। ml में जल्दी कन्वर्ट कर लो, 1500 ml पर डे। अच्छा, और खास बात क्या होती है भाई, 99% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। 0.5% क्या रखा होता है, म्यूकस रखा होता है, म्यूकस याद रखना। और बचा हुआ क्या, इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं जल्दी से बोल दो, Na+, K+, साथ में क्लोराइड आयन, और साथ में बाइकार्बोनेट आयन, कितने सारे प्रेजेंट होते हैं। अभी मेन बात सलाइवा का, इसका एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, कौन सा एंजाइम कैरी करता है सलाइवा, जल्दी से बोल दो, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी का दूसरा नाम जल्दी से बोल दो, टाइलिन एंजाइम। कई बार क्वेश्चन आते बना है, टाइलिन करता क्या है, आपका स्टार्च होता है बाबू, स्टार्च क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कितना 30% कन्वर्ट किसमें कर देगा, माल्टोज में, किसमें कन्वर्ट कर देगा,
माल्टोज में कौन, टाइलिन। टाइलिन क्या है? सलाइवरी एमाइलेज है। सिक्रेट किससे हुआ? सलाइवा से। सलाइवा में ही प्रेजेंट है सलाइवरी एमाइलेज, वो एंजाइम। इसी का दूसरा नाम टाइलिन। क्या किया? स्टार्च, यानी कि जो कि कार्बोहाइड्रेट था, 30% स्टार्च को तुरंत रगड़ के बदल दिया माल्टोज में। अभी और बचा है एक एंजाइम, जल्दी से नोट कर लो। दूसरा एंजाइम नाम होता है इसका लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को ही हम एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कहते हैं। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। एंटी बैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया को मार सके, उसके खिलाफ हो, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम। बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम। ये भी कहाँ पाया गया? सलाइवा में पाया गया। अब एक जगह और पाया जाता है, पता हो तो कमेंट बॉक्स में जाके फोड़ दो। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है सलाइवा के अलावा? वहां पे जरूर कमेंट करके बता देंगे। सलाइवा की बात हो गई, यहाँ पे खत्म करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, नीट वालों ध्यान देना, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आ रखिएगा, और साथ में यूरिया, कुछ ये भी कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों के प्रेजेंट होने की वजह से सलाइबा एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। याद रखिएगा, यूरिक एसिड और यूरिया का भी कुछ कंटेंट सलाइबा अपने साथ कैरी करता है। ये तो हो गई बात किसकी? सलाइबा की। और बात किसकी हो गई थी उधर? टीथ और टंग। अच्छा, टीथ और टंग का भी स्ट्रक्चर वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब हम लास्ट में पढ़ाएंगे। सिर्फ प्रोसेस डाइजेशन का चलता जा रहा है, जो पॉइंट छूटा जा रहा है वो हर एक चीज कवर करा देंगे, डाइजेशन छोड़ेंगे कुछ नहीं। इन सबको नोट कर लेना साथ में, और ना नोट कर पाओ तो स्क्रीनशॉट लेके रखे रहा करो, बाद में पढ़ लेना, एक नोट बनाना। अब बात कर रहे हैं, अभी ही माउथ में ही फूड है, ठीक है। इतना सारा है, यानी कि सलाइवा जो अपने साथ इतनी चीजें कैरी किया हुआ था, और टीथ और टंग के साथ मिलके फूड को पूरी तरह से रगड़ दिया है। रगड़ दिया है तो फूड नहीं रह गया बाबू, बन क्या गया है? बोलस बन गया है। बोलस, बोलस। अब बोलस क्या करेगा? बोलस उठेगा, भाई मुझे माउथ में नहीं रहना, यहाँ मेरी बहुत हालत हो गई है। किसने किया? टीथ ने किया, सलाइवा ने किया। बोलस क्या कहेगा? मुझे जाना है, मुझे जाना। किधर जाना है? स्टमक में जाना है, स्टमक में जाना है। ले कौन जाएगा? आपू नहीं ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? प्रोसेस क्या कहलाएगा जल्दी से बोल दो? डेग्लूटिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेग्लूटिशन, यानी कि फूड को निगलना। जब हम खा लेते हैं, फूड को निगल लेते हैं मुंह से, तो फूड पास हो जाता है कहाँ पे? फैरिंग्स। फैरिंग्स से गलेट। गलेट से कहाँ पहुंचेगा? ईसोफेगस। और ईसोफेगस से फाइनली पहुंच जाता है किधर बाबू? स्टमक में। अब थोड़ा स्टमक की एक बात बता दो, देखो जे शेप का शेप स्ट्रक्चर होता है ये, देखिए ठीक है ना, ये हो जाता है आपका स्टमक, जे शेप स्ट्रक्चर। कई बार पूछा है, ये आपका रीजन होता है जिसको बोलते हो कार्डियक। क्या बोलते हो? कार्डियक। ये रीजन होता है जिसको बोलते हो फंडस। ये रीजन होता है जिसको बोलते हो पाइलोरिक। अब देखो, तीन रीजन हमने पहले ही बताया था ये स्टमक का होता है। खास बात, इनर फोल्ड्स इसके पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा है जिसको बोलते हो र्यूजी, जरूर याद रखना। इनर फोल्ड्स ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज र्यूजी। अब देखो, यहाँ पर दो आपको रास्ते मिलने जा रहे हैं, दैट एंड दैट, दे आर द स्फिंक्टर। दिस इज नोन एज द कार्डियक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द पाइलोरिक स्ट्रक्चर, आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसी का वो रास्ता, यही रास्ता है जिसको हम कहते हैं क्या? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। करेक्ट, स्फिंक्टर। ये होता है रास्ता जहां से फूड, ये आपका इसोफेगस था, करेक्ट। इसोफेगस से होता हुआ कहां पहुंचता है? स्टमक में। किस रास्ते से पहुंचता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसी का दूसरा नाम अभी हमने बोला, इसी को कहते हैं बाबू क्या? कार्डियक स्फिंक्चर। कार्डियक स्फिंक्चर। और इसको क्या बोल देते हो? पाइलोरिक स्फिंक्चर। पाइलोरिक स्फिंक्चर। अब देखो, इसका काम बाद में पढ़ेंगे, कब? जब फूड स्टमक से निकल के कहाँ जा रहा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किधर निकला है? टू स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जा रहा होगा तो काम आता है किसका? पाइलोरिक स्फिंक्चर का। करेक्ट। अच्छा, यहां पे एक चीज हो रही होती है, क्या? डाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता बाबू, ये जरूर याद रखिएगा। डाइजेशन इधर नहीं होने वाला है, होता क्या है? एक मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं वेरी स्टाइलिश मूवमेंट। व्हाट? क्या सुना? यस, सही सुना, वेरी स्टाइलिश मूवमेंट होता है।
पेरिस्टाइलिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका नाम ही है बाबू पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। पेरिस्टाइलिसिस जो होता है ना बहुत ही स्टाइलिश मूवमेंट होता है। कैसे होता है भाई बता रहा हूँ। पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट होता है, इसी को पेरिस्टाइलिसिस ये प्रोसेस कहलाती है पेरिस्टाइलिसिस, और मूवमेंट होता है पेरिस्टाइलिटिक, स्टाइलिटिक करेक्ट मूवमेंट करेक्ट, ये बात याद रखिए पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट। अच्छा पेरिस्टाइलिक मूवमेंट क्या होता है? ये जो आपका ये पूरा रास्ता था ये क्या था जिसको पहले से एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, बोलो हाँ स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बाबू, तो कॉन्ट्रैक्शन करने पे थोड़ा इमेजिन करिएगा कि अगर किसी कोई पाइपलाइन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फूड को क्या कर रहे हैं? धीरे 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 अंदर खींच रहे हैं, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट होता है पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट। भाई साहब अगर इनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ, गलती से बैक तो मूवमेंट हो गया, तो रिवर्स पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट हो गया, तो रिवर्स पेरिस्टाइलिसिस हो गया, तो पलट देंगे, उल्टी हो जाएगी, जिसको कहते हैं वोमिटिंग। यही याद रखना, रिवर्स पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट, रिवर्स पेरिस्टाइलिसिस ही क्या कहलाती है? वोमिटिंग कराती है, ये याद रखिएगा। अदरवाइज जो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट चल रहा होता है वो फूड को कहाँ ले जा रहा होता है? अंदर। मैक्सिमम पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका स्टमक, यहीं पे सबसे ज्यादा पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट देखने को मिलता है, कार्डियक टू पाइलोरिक एंड पाइलोरिक टू कार्डियक, ऐसा चलता रहता है फूड यहाँ पे। स्टमक और खास बात होता है, स्टमक में यहीं पे पढ़ ले रहे हैं, अगर स्टमक के बारे में बता रहे हैं तो सब चीज ध्यान दे लो। लगभग 4 से 5 घंटे तक ये फूड को अपने पास रखता है, करेक्ट है, 4 से 5 घंटे तक। और यहाँ पर हमने बताया था र्यूजी पाई जाती है, र्यूजी जो होता है, और र्यूजी क्या होती है? इनर फोल्ड होते हैं इनर लाइनिंग के। और तीसरा जो होता है कि मैक्सिमम पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। मैक्सिमम पेरिस्टाइलिसिस क्यों होता है बाबू? अच्छा मस्कुलरिस लेयर बताई थी मैंने, दो लेयर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक सर्कुलर, एक एक्स्ट्रा लेयर बताई थी जिसको कहते हैं ऑब्लिक मसल लेयर, याद आया? ऑब्लिक लेयर होने की वजह से स्टमक में क्या होता है? मैक्सिमम पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है। ये बात हो गई, डेग्लूटिशन हो गया, फूड को हमने निगल लिया, फूड की स्टेज क्या थी? बोलस हो गई थी। अब फूड पहुंच कहां गया? स्टमक में। किस रास्ते से पहुंचा? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, इसी को वॉल्व भी कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल वॉल्व। स्फिंक्टर का काम क्या होता है जल्दी से बता दो, स्फिंक्टर का कोई काम बताएगा? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, यानी कि फूड एक बार अंदर आ गया बाबू तो वापस नहीं जाएगा, कौन रोकेगा? स्फिंक्टर रोकेगा। जहां पे भी ये प्रेजेंट होंगे ये बैक फ्लो को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। ये प्रोसेस होगी डेग्लूटिशन की, खाना निगलने के बाद ये पहुंच गया कहाँ पे? स्टमक में। और मास्टिकेशन मैंने आपको बताया था, सारे टर्म्स जो होते हैं वो जरूर याद रखिएगा, बोलस डेग्लूटिशन साथ में मास्टिकेशन, सलाइवा की सारी बातें हो गई। अब फूड कहाँ पे पहुंच चुका है? स्टमक में, यानी कि जो अगला डायजेशन होगा वो हो जाएगा क्या? स्टमक का। आइए स्टमक में डायजेशन देखते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग डाइजेशन इन स्टमक की, ठीक है। अब डाइजेशन इन स्टमक कैसे होगा ये देखना है बाबू। हम लोग स्टमक में पहुंच चुका है फूड, यानी कि अब फूड नहीं पहुंचा बाबू, अब उसको बोलेंगे क्या? बोलस बोल रहे हैं। फूड जो पहुंचा है वो किस फॉर्म में है? बोलस में। चलो एक्शन काम जो भी स्टार्ट होगा वो किस पे स्टार्ट होगा? बोलस पे। अब देखो जो आप वहां पे कौन सी ग्लैंड थी? सलाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीट कर रही थी? सलाइवा। यहाँ पे है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद रखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होती है फंडस रीजन में, ये भी याद रखना बाबू, फंडस रीजन में। सेक्रेट क्या करेगी? गैस्ट्रिक जूस। बिना इसके कोई पेट में तो कोई काम नहीं होने वाला है, गैस्ट्रिक जूस हो गया। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से इनका रोल होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल के सेक्रीशन से बना हुआ होता है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी होती है उसको कहते हैं नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट सेल, और इसी को कहते हैं गोबलेट सेल। ये जरूर याद रखना, नाम याद रखना, किसी भी नाम से पूछ सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट सेल, गोबलेट सेल और म्यूकस सेल, नेक्स्ट सेल, गोबलेट सेल और म्यूकस सेल। फिर आता है ऑक्सेंट्रिक सेल, ऑक्सेंट्रिक सेल, और इसी को कहते हैं पराइटल सेल, ये भी याद रखना, हर जगह से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर आता है चीफ सेल, चीफ सेल, और इसी को कहते हैं पेप्टिक सेल, ये भी याद रखना, नाम ही बता दे रहा, पेप्टिक सेल।
और इसी को कहते हैं जायमोजन सेल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जायमोजन सेल, ठीक है। और लास्ट में आते हैं अर्जेंटा फिन सेल्स, अर्जेंटा फिन सेल्स, इनका नाम जिस तरह से खतरनाक है वैसे इनका काम भी खतरनाक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स करते हैं, बस इनका फंक्शन याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन कराता है इन स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। मेनली इन तीनों लोगों का काम होता है, इनके सिक्रीशन को याद रख लें कि जो आपका नेक्स्ट सेल गोबलेट सेल या म्यूकस सेल होता है, तो नाम ही कह रहा है ये सिक्रीट क्या करेंगे, जब म्यूकस सेल होगी तो सिक्रीट कर देगी म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट कर देगी, म्यूकस सिक्रीट हो गया बाबू म्यूकस सेल के थ्रू। ऑक्सेंटिक और पराइटल सेल ने कहा मैं पीछे थोड़ी ना हूं, मैं भी सिक्रीट करूंगी, बोलो क्या, एससीएल। और दूसरा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर पूछता है कहां से सिक्रीट होगा, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये हो गया कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये याद रखिए कहां सिक्रीट हुआ, ऑक्सेंटिक या फिर पराइटल सेल। और चीफ सेल जायमोजन सेल, बिना इनके तो भाई कोई काम ही नहीं होने वाला, क्योंकि एंजाइम जो होता है आपका प्रोपेप्सिन, प्रोपेप्सिन, और इसी का दूसरा नाम होता है पेप्सिनोजेन, इसी का दूसरा नाम होता है पेप्सिनोजेन, और दूसरा जो आपका सिक्रेशन होता है वो होता है प्रो रेनिन का, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने दो नाम लिखा है, प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन, तो ये खास बात होती है एंजाइम की पहचानने आपको, कि जिस भी एंजाइम के पहले प्रो वर्ड आ जाए या एंजाइम के नाम के बाद में जेन वर्ड आ जाए, प्रो या जेन, ये याद रखना, प्रो या जेन, पहले प्रो बाद में जेन, ये बताता है कि वो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है, एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है, इट नीड्स टू बी एक्टिवेट, ठीक है, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, कौन करेगा वो तो सस्पेंस है, आगे देखते हैं। अब देखो होना क्या है, सबसे पहले इनको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। अच्छा उसके पहले थोड़ा सा एक काम है, यहाँ पे खत्म कर देते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम क्या है, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे उसको बता देते हैं काम क्या है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हो गया ना, कैसल इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया विटामिन B12 को, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लिया, ये हो गया कैसल, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, नाम बताओ किसका, साइनेको बालामीन, ये भी याद रखना है इसका केमिकल नेम साइनेको बालामीन, ये भी हो गया साइनेको बालामीन हो गया। अब ये क्या करेगा, जैसे ही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करेगा, और विटामिन B12 क्या करता था, विटामिन B12 हेल्प करता है, हेल्प इन मैच्यूरेशन ऑफ, मैच्यूरेशन ऑफ RBC। अब लिंक करना थोड़ा सा, विदाउट लिंक करने पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, देखो समझ में आना चाहिए, हेल्प करता है विटामिन B12 RBC के मैच्यूरेशन में। अब देखो अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हुआ तो क्या नहीं एब्जॉर्ब होगा, विटामिन B12, और विटामिन B12 नहीं हुआ बॉडी में तो कौन मेच्योर नहीं होगा, RBC। अब अगर RBC मेच्योर नहीं हुई, इफ नॉट, तो डिजीज हो जाएगी, नाम कहते हैं क्या, परनीशियस एनीमिया, नाम सुने हो परनीशियस एनीमिया, ये जरूर याद रखना कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन अगर हमारी बॉडी में नहीं होता है तो डिजीज हो जाती है परनीशियस एनीमिया, ये जरूर याद रखना। तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर मेनली किसके लिए है, एनीमिया से बचाने के लिए, ये है तो ये है, ये है तो ये है, और ये है तो ये नहीं है, याद रखना। मैच्योरेशन अगर RBC का हो गया है तो परनीशियस एनीमिया डिजीज नहीं होगी, अगर RBC में क्योर नहीं हुई तो डिजीज क्या हो जाएगी, हो जाएगी। चलो इसका काम खत्म हो गया। म्यूकस का काम जो कि सेक्रेट हुआ था म्यूकस सेल से, वो आपको पता होना चाहिए, म्यूकस कुछ नहीं करता है, म्यूकस बस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता रहता है फूड में, ठीक है। अब बात होती है तीसरे सेक्रीशन की, यानी कि चीफ सेल का, चीफ सेल का जो सेक्रीशन था, अच्छा HCl की भी खास बात हो, अभी HCl को हमने छोड़ दिया, चलो HCl की चर्चा कर लेते, चलिए HCl क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा तो pH मेंटेन करके रखता है, कितना 1.8, और बहुत ही ज्यादा एसिडिक मीडियम रखता है।
जब एसिडिक मीडियम होगा, पीएच इतना ज्यादा मेंटेन कर दिया एससीएल ने, तो खास बात क्या हो जाएगी, फूड को नेचुरल प्रिजर्वेटर मिल गया है, वहां पे हमने कोई दवा ऐड नहीं कराई, कोई बाहर से हमको कुछ नहीं देना पड़ा, एससीएल ने ही क्या कर दिया, जो फूड था उसको बचा लिया, तो इसको हम नेचुरल प्रिजर्वेटर भी कहते हैं, यानी कि नेचुरल प्रिजर्वेशन हो गया। अब क्या है दवाई फूड के ऊपर तो सब तहस नहस करने जा रहे हैं हम लोग, सब एक साथ मिलकर टूट पड़े, किसके ऊपर, बोलस के ऊपर। बोलस कह रहा भाई नहीं बर्दाश्त कर सकते हम, एससीएल कह रहा कैसे नहीं करोगे, मुझे कराना है, नेचुरल प्रिजर्वेटर की तरह काम कर दिया एससीएल। अगला काम क्या करेगा, एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा भाई, एक्टिवेटर ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन, इन दोनों को ही क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तीसरा काम क्या होता है, जो आपका फेरिक आयन होता है Fe3+ को कन्वर्ट करता है Fe2+ में। अच्छा इसका काम क्या होगा, क्यों ऐसा क्या करना पड़ा, ये जो होता है ये अनएब्जॉर्बेबल है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या हो सकता है, आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है, तो अनएब्जॉर्ब होने वाले Fe यानी कि फेरिक आयन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फेरस आयन में। इसको क्या कहते हैं, फेरस, इसको क्या कहते हैं, फेरिक। अच्छा थोड़ा सा केमिस्ट्री आती है हमें, कभी कभी बोल देते हैं, पढ़ाएंगे आगे टॉपिक में। फेरस को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फेरिक में। अब इसका एक्टिवेटर वाला काम देख लेते हैं, जैसे आपका था प्रोपेप्सिन था ना, प्रोपेप्सिन, इसी का दूसरा नाम था जल्दी से बोलो पेप्सिनोजेन, क्या नाम था, पेप्सिनोजेन। इस पे काम कर दिया किसने, एससीएल ने, एससीएल ने जैसे इस पे काम किया ये बदल गया किसमें, पेप्सिन में, किसमें बदल गया, पेप्सिन में। यहाँ खास बात हो गई, ये हो गया एक्टिव, यहाँ कैसा था, इनएक्टिव। अच्छा दुनिया बहुत बेवफा है, दुनिया बहुत ही दर्दनाक है, दुनिया बहुत धोखेबाज है, कैसे, क्योंकि ये पेप्सिन ने प्रूव कर दिया कि भाई पहली बार मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी, तू मुझे एक्टिवेट कर दे, पर एक बार मैं एक्टिवेट हो गया तुझे मैं हटा दूंगा, मैं खुद ही अपने आप को क्या कर लूंगा, एक्टिवेट कर लूंगा। तो ये किसकी तरह काम करने लगता है, ऑटो कैटा लिस्ट की तरह, ये ऑटो हार्मोन है, इसीलिए इसको हम ऑटो हार्मोन भी कहते हैं, एक बार एक्टिवेट हो गया दोबारा ये एससीएल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पेप्सिन ने तो अपना काम कर दिया, पेप्सिन कर दिया तो रेनिन कहां पीछे रहने वाला है, नोट डाउन कर लेना, पेप्सिन जब एक्टिवेट हो गया तो रेनिन कहेगा भाई मुझे भी तो कर लो, मैं अकेले क्या करूंगा इधर, तू जा रहा है भाई, तो प्रोरेनिन आ गया, प्रोरेनिन ने कहा मुझे भी ले चलो, प्रोरेनिन को लेने कौन आ गया, एससीएल का, चल तेरी लाइफ बदलता हूं, किसमें, रेनिन में, रेनिन एक्टिवेट हो गया, तो दोनों ही हार्मोन क्या हो गए, एक्टिव हो गए, कौन, पेप्सिन और रेनिन, काम पड़ते हैं। पेप्सिन और रेनिन का काम होता है मेनली प्रोटीन पे, करेक्ट, प्रोटीन का ही डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, और सबका डाइजेशन यहाँ पे होता नहीं है, कैसे होता है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। चलो पेप्सिन क्या हुआ कि जो आपकी प्रोटीन थी प्रोटीन पे वर्क किया पेप्सिन ने, चलो कर दिया, पेप्सिन ने क्या किया, ए भाई प्रोटीन सुन ले, मैं तुझे पूरा तो नहीं डाइजेस्ट कर सकता, पर मैं तुझे पेप्टोन्स और प्रोटियाजेस में बदल दे रहा हूं। अब ये कौन सी नहीं बोला है भाई, पेप्टोन्स और प्रोटियाजेस, पेप्टोन्स और प्रोटियाजेस जो होते हैं ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स क्या होती हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स मतलब सीधी सी बात है, मैंने तुझसे कहा भाई एक लोटा पानी पिला दे बहुत तेज प्यास लगी है, तूने कहा भाई लोटा नहीं है ग्लास में पी ले, मतलब कुछ काम तो इसने कर दिया, पूरी तरह से इसको डाइजेस्ट नहीं किया, प्रोटीन को पूरी तरह से तोड़ा था अमीनो एसिड में, पेप्सिन ने कहा भाई इतनी औकात मेरी नहीं है, मैं सिर्फ इसको क्या कर सकता हूँ, हल्का सा पार्शियली हाइड्रोलाइज कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसके बॉन्ड्स को रिलैक्स कर सकता हूँ, यानी कि पार्शियल डाइजेशन कर सकता हूँ, कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर सकता। चल ठीक है मैं खुश हूँ तुझसे, कोई टेंशन नहीं। रेनिन का क्या काम होता है वो भी देख लेता हूँ। रेनिन ने कहा कि भाई जो आपकी मिल्क प्रोटीन होती है नाम होता है क्या जल्दी बता दो, कैसीन प्रोटीन होती है। कैसीन जो होती है किस फॉर्म में होती है जल्दी बता दो, लिक्विड फॉर्म में। कैसीन किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड ऐसी प्रोटीन है जिसपे पेप्सिन का बस नहीं चलने वाला, पेप्सिन नहीं चल पाता। पेप्सिन क्या कहता है, भाई मुझे जो है वो सॉलिड प्रोटीन चाहिए, तब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डाइजेशन कर सकता हूँ।
ठीक है, रेनिन ने कहा ठीक है मैं मिल्क प्रोटीन को थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में ला जाता हूँ। रेनिन इस पे एक्शन लिया, रेनिन ने एक्शन किया तो कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम की मिल्क प्रोटीन को, यानी कि सॉरी मिल्क की कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम पैरा कैसीन में, कैल्शियम पैरा कैसीन में, कैल्शियम पैरा कैसीन, इसी को कैल्शियम पैरा कैसी नेट भी कहते हैं याद रखना। कैल्शियम की प्रेजेंस में रेनिन ने मिल्क की प्रोटीन को बदल दिया कैल्शियम पैरा कैसी कैसीन में या कैल्शियम पैरा कैसी नेट में। अभी जो कैल्शियम पैरा कैसीनेट होता है ये आ गया सॉलिड फॉर्म में, किसके फॉर्म में आ गया सॉलिड फॉर्म में कैसे, अरे भाई यही तो वो प्रोसेस है जिसको कहते हैं क्या, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क याद रखना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अच्छा कर्डलिंग ऑफ मिल्क देखने को कहाँ मिलता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मेनली देखने को मिलता है इन्फेंट्स में, कहाँ देखने को मिलता है इन्फेंट्स में, यानी कि जो आपका रेनिन होगा ये सिक्रेट किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों में, आपके एडल्ट में रेनिन का सिक्रेशन क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। अच्छा तो जो दूध हमने पिया मतलब बच्चों ने जो पिया उसको रेनिन ने कैल्शियम की प्रेजेंस में बदल दिया दही में, कह सकते हैं कैल्शियम पैरा कैसीन यानी कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई। इसलिए जब बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं थोड़ी देर बाद जब पलटते हैं तो क्या पलटते हैं, दही पलट देते हैं, उनसे बढ़िया दही कोई नहीं जमा सकता भाई, उन्हीं के अंदर से दही बना लो जितना मनो खा लो। तो जब कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था रेनिन, चलो बन गई। तो इन्फेंट मैंने कहा ये होता है, एडल्ट में रेनिन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, तो क्या एडल्ट में दूध का दही नहीं होता क्या भाई, होता है, अगर दूध का दही नहीं होगा तो उसका डाइजेशन कौन करेगा, यानी कि दूध पचेगा कैसे, तो दूध को पचाता कौन है, इसको आप बताएंगे कमेंट में बताएंगे, हालांकि अगले वीडियो में मैं उसका डिस्कशन करूंगा, पर मैं चाहता हूं तब तक ये आंसर आ जाना चाहिए कि एडल्ट में मिल्क प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीन या फिर जो लिक्विड प्रोटीन है उसको सॉलिड में कौन लेके आता है, वहां पे आप बता देना। चलो रेनिन का काम हो गया, अब जब ये हो गई सॉलिड फॉर्म में मिल गया तब तो पेप्सिन खुश हो गया, चल भाई मेरा काम आ गया, तेरा काम खत्म मेरा स्टार्ट। तो अब यहाँ पे आ जाता है कौन पेप्सिन, और जब पेप्सिन आ गया तो फिर से अगेन इसको किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में एंड प्रोटियाजेस में, इसको क्या कर देता है बदल देता है। अब देखो पेप्सिन ने अपना काम कर दिया प्रोटीन पे विद द हेल्प ऑफ रेनिन, सारी प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया पेप्टोन्स और प्रोटियाजेस में, चलो प्रोटीन का काम हो गया। अब यहीं पर लगे हाथ, ये बात याद रखना भाई कि आपका जो रेनिन होता है, रेनिन RENIN, और एक आपने पढ़ा होगा RENIN, ये कौन सी वाला आ गई, नहीं पता है तो पता कर लो, दो चीजें होती हैं रेनिन, ठीक है। अब देखो तो रेनिन होता है ये वाला, ये तो अभी है एंजाइम है जिसको हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, एंजाइम कहाँ पर सिक्रेट हुआ था स्टमक में, ये पता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये होता है हार्मोन, ठीक है, अच्छा कहीं कहीं इसको भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी कहा जाता है भाई, या ओ सॉरी प्रोटीएज एंड प्रोटीएज एंजाइम, दिस इज द प्रोटियोलिटिक। तो अब क्या हो गया कि प्रोटीएज एंजाइम रेनिन यानी कि हार्मोन ये सीक्रेट होगा किडनी से, ठीक है, तो बिना किसी कंफ्यूजन के इधर उधर की बात पे मत जाना, बस तो याद रखना कि RENIN रेनिन जो है एंजाइम है स्टमक में रिलीज होता है, रेनिन जो है हार्मोन है किडनी से रिलीज होता है, किडनी के भी किस पार्ट से, ग्लोमेरुलस एपरेटस से। अभी हार्मोन वाली बात पढ़ेंगे तो उधर हर चीजें जानेंगे, तब इधर मत माथा फोड़ ले भाई, अभी सिर्फ एंजाइम पढ़ के रख, याद करने से कैसे तरीका है देखो, मैंने जो याद किया था वो याद कर लेना, RENN दो बार एन आ गया तो प्रियोरिटी दे दो एन को, एंजाइम में पहले ही एन आ जा रहा है इसमें बाद में एन आ रहा है, तो पहले एन आ रहा मतलब ज्यादा है, सीधे से डबल एन वाला क्या हो जाएगा एंजाइम, ये कोई ट्रिक उक नहीं है, तुक्का है, हम लोग इंडियन से हर चीज में जुगाड़ लगा लेते हैं, फिट कर लेना याद कर लेना, ना याद हो तो रट डालना, उससे बढ़िया दवा धरती पे कोई नहीं है, रट डालो भाई। चलो हो गया रेनिन का काम खत्म। अच्छा रेनिन की खास बात होती है नॉट इंक्लूडेड इन डाइजेस्टिव एंजाइम, रेनिन कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम में इंक्लूड नहीं किया था, क्यों, क्योंकि इसने कोई डाइजेशन नहीं कराया था भाई, इसने तो सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेज कराई थी चेंज, क्या जो कैसीन था, कैसीन किसमें था लिक्विड में था भाई, उसको कैल्शियम पैरा कैसीन में कन्वर्ट करने वाला कौन था, कैल्शियम पैरा कैसीन में कन्वर्ट करा दिया था किसने, रेनिन ने, तो रेनिन ने तो कि सिर्फ क्या किया था देखो, लिक्विड से किसमें बदला था सॉलिड में, सिर्फ उसकी क्या चेंज कराई थी
उसकी क्या चेंज कराई थी, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट चेंज होने की वजह से हमने रेनिन को दसवें अध्याय में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। चलो, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूकस का काम हो गया, एक्सियल का काम हो गया, कैसल इंडक्टिव फैक्टर हो गया, और अजेंटा फिल सेल्स का भी काम हमने बता दिया। अजेंटा फिल सेल्स का काम तो बता दिया, लेकिन कौन काम कराता है वो नोट कर लेना। अजेंटा फिल सेल्स जो होते हैं ना, सीरोटोनिन से क्रिएट करती है, जो वो कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट कराते हैं, वहां पर नोट डाउन कर लेना। अब बात होती है गैस्ट्रिक जूस और अपने साथ क्या कैरी करता है। तो गैस्ट्रिक जूस में कुछ प्रेजेंट होता है जिसको कहते हो गैस्ट्रिक लाइपेज। ये खास बात है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। और गैस्ट्रिक लाइपेज का एक दूसरा नाम होता है ब्यूटायरेज। भाई, ब्यूटायरेज लाइपेज वो होता है जो लिपिड को डाइजेस्ट करे, प्रोटीएज वो होता है जो किसको डाइजेस्ट करे, प्रोटीन को। एमाइलेज कौन किसको करे, कार्बोहाइड्रेट को करे। तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज, इसी का दूसरा नाम होता है ब्यूटायरेज। बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आपका बटर फैट होता है, जो आपका बटर फैट होता है, बटर फैट का डाइजेशन यही गैस्ट्रिक लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसराल में कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसराल में कर देता है। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ बटर फैट, हाँ, एक्सेप्ट बटर फैट, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट बटर फैट, ऑल टाइप ऑफ फैट्स आर डाइजेस्टेड इन, ऑल टाइप ऑफ फैट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, सारे फैट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, बटर फैट, जिसका डाइजेशन ब्यूटायरेज गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक लेना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। गैस्ट्रिक लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो जाता है। साथ ही ये कैरी करता है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन, हाँ, HCO3। ये तो है, केमिस्ट्री आती है थोड़ा बड़ा भाई, तू भी रट ले। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, अच्छा, HCl है ना, HCl खतरनाक प्राणी। HCl क्या है, एसिड है। pH कितना मेंटेन कर दिया है, बोलना, 1.8, ठीक है, एसिडिक मीडियम है। बाइकार्बोनेट आयन ने क्या किया, बहुत ज्यादा एसिड हो गया पेट में, तो क्या करता है, तू इधर आ जा, HCl को बुला लिया, कह चल मेरे साथ, क्या बना दिया, तुरंत H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करके क्लोराइड आयन को हटा देता है। आयन तो हमारे पास बने, वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में भाग जाता है, कोई काम नहीं, वो अपना बॉडी में मेंटेन रखता है, फंक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन HCl अगर रह गया भाई, तो ये खतरा कर देगा। HCl क्या कर देगा, हमारी गैस यानी कि पेट की जो वॉल है ना, उसको खतरा पहुंचा सकता है। तो HCl को हटाना जरूरी है। HCl को कौन कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, बाइकार्बोनेट आयन। ये सब गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इतना काम हो गया, अब क्या करना है आपको, अब एक चीज और याद रखना है, जो आपका लिपिड स्टमक होता है भाई, अभी मैंने बताया था, ठीक है, ये स्टमक ऐसे होता है, अरे बहुत खतरनाक स्टमक है, थोड़ा अच्छा से तुम लोग बना लेना। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता रहता है ना, कार्डियक टू पायलोरिक, पायलोरिक टू कार्डियक। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, टर्निंग। इसी को क्या कहा था, टर्निंग, लिख दे रहा हूं, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि कार्डियक टू पायलोरिक एंड पायलोरिक टू कार्डियक, हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड। अब फूड यहाँ पर कौन है, फूड यहाँ पर कौन है, बोलस है। मैंने पहले बताया था, फूड की बात अगर स्टमक में हो रही है तो वो किसकी हो रही है, ये आपका था फंडस, ये था कार्डियक, और ये था पायलोरिक। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट चल रहा है, इधर से इधर, ठीक है। ये मूवमेंट को पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहते थे। हाँ भाई, तो ये जो हमने बता दिया था आपको, तो कार्डियक टू पायलोरिक और पायलोरिक टू कार्डियक, एक बाई डायरेक्शनल मूवमेंट चलता रहता है स्टमक में। ये क्या करता है कि हेल्प कर देता है फूड, यानी कि बोलस ना, यहाँ पे फूड मतलब बोलस हो जाएगा। बोलस अब किससे मिक्स हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में। जब इसके साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो जो प्रोसेस होती है वो चर्निंग प्रोसेस या चर्निंग मूवमेंट कहलाता है। और जब ये सारा एक्शन यानी कि गैस्ट्रिक जूस के साथ पूरा एक्शन हो जाता है फूड पे, तो वो क्या कहलाता है, फूड की स्टेज चेंज हो जाती है बोलस से किसमें, काइन में। और काइन ही क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे खत्म। अच्छा, ये सारा मूवमेंट तो, सारा प्रोसेस तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, नोट डाउन कर लेना। जब ये प्रोसेस यहाँ पे हो जाती खत्म, तो अब होता क्या है,
चलो खाने खाना यानी कि जो बोलस था और पेट में पहुंचा तो काइम हो गया, अब काइम जो है वो निकल के पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब एक हार्मोन मैंने बताया था क्रिप्साप लीवर कुहन से, याद है म्यूकोसा ग्लैंड म्यूकोसा लेयर में मैंने बताया था, जाके पीछे देखना पहले वाले वीडियो में डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन का मैंने एपिसोड फर्स्ट जो बनाया था, जिन लोग जो डायरेक्ट यहाँ पे जुड़े हैं पहले वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो वहां पे मैंने बताया क्रिप्साप लीवर कुहन से हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हो एंटीरो गैस्ट्रिनॉन। ये जो हार्मोन होता है इसी दूसरा नाम होता है GIP, याद है गैस्ट्रो इनहिबिटरी प्रोटीन। गैस्ट्रो इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करता है, पहला स्टॉप कर देगा पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट को, स्टॉप कर देगा पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट को। दूसरा क्या करता है, SCLK भी सेक्रेशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, स्टॉप गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। और तीसरा जो ये काम करता है वो क्या होता है, इंसुलिन का सेक्रेशन स्टार्ट करा देता है, इंसुलिन सेक्रेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट करा देता है। इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। क्या डाइजेशन इन स्टमक का पॉइंट यहीं पे खत्म होता है, इसके आगे का पॉइंट जो होगा यानी कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये फूड वहां पे मूव करके जाएगा उसका लेक्चर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ का सारा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एपिसोड वाइज हम हर चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बेहतर ये होगा कि अच्छे से पॉइंट डाउन करके और इसका एक शॉर्ट नोट्स या वीडियो को सेव करके आप रखते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा नेट के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी। और चैनल को अच्छे सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें ताकि आपके और फ्रेंड्स के पास बातें हमारी पहुंचती रहे। और जो भी चीजें आपको लगे कि इम्प्रूव करने की जरूरत है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।